बोल रहा था ना व्यू दिखाने के लिए, ये सामने से ट्रेन जा रही है, ये चेक करो, और ये इधर स्विमिंग पूल था भाई। ये साइकिलिंग करते ना बड़ा डर लगता है भाई, यहाँ से ना सामने ये जो साइकिल है इस रस्से से ना सामने पार जाती है, वो जो रास्ता सामने पार जा रहा है बड़ा डर लगता है भाई। वो सामने इसका एंड है, सामने देखो भाई इस तार के ऊपर जाना पड़ता है सीधा, वो पार इसका एंड है, इतना डर लगता है भाई क्या बताऊं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसी है मेरी YouTube फैमिली, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत ही मजे में होंगे। तो गाइस आपका भाई भी एकदम मस्त है। तो भाई आज की शुरुआत एक फिर प्यारी सी वीडियो के साथ हो रही है। तो भाई टाइम हो गया है 8:30 और अभी हम उठे हैं, और अभी हम आपको फ्रंट का व्यू बताते हैं जहाँ पर हम थे, और अभी ना स्विमिंग पूल तैयार हो रहा है। ये सामने चेक करो भाई, साफ हो रहा है, ये सामने देख लो स्विमिंग पूल रेडी होता है, उसके बाद चलते हैं नहाने वाने के लिए। और यहाँ से कुछ फ्रंट व्यू ऐसा आता है भाई, सामने चेक करो ट्रेन वाली वो सामने पटरी, और ये सामने रहा स्विमिंग पूल, और यहाँ से ना कुछ ऐसा मस्त सा व्यू था। व्लॉग के एंड तक बने रहना, और जैसा भी रहता है तो आपके साथ शेयर करते हैं भाई। भाई एक बात ना, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 7K मेरे जो वो करवा दिए। इतने व्लॉग भी नहीं डालता हूँ फिर भी आप इतना प्यार दे रहे हो, इसी तरह प्यार दो भाई, और कमेंट करके बताना कि व्लॉग कहाँ कहाँ से देखते हो, और आगे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसी तरह प्यार बरसाओ भाई, और जिसने मेरे पिछले व्लॉग नहीं देखे हैं वो भी जाओ, बहुत मस्त व्लॉग हैं। और तो भाई ये तो तैयार होके यहाँ पर बैठ गया है। हेलो गाइस, हेलो हो गए रेडी भाई? ये देख लो, ये ना स्विमिंग पूल अभी इतना साफ हो रहा है, और भाई यहाँ पे बैठ के वेट कर रहा है, रहा नहीं जा रहा है। तो मेरे को भाई ठंड लगती है, मैं भी सोचता हूँ नहाने का स्विमिंग पूल में, सच्ची में मैं जो गंदे होते हैं तो कभी गंदा ही नहीं होता है। तो भाई देखते हैं क्या सीन रहता है। यहाँ नीचे का कुछ ऐसा व्यू है, ये हो गया रेडी, सामने चेक करो ये देखो भाई। और इस साइड ना पूरा 6 फुट है, उस साइड 4 फुट है, उस साइड ये चेक करो भाई। स्विमिंग पूल हो गया रेडी, चलो नहाते हैं पहले और थोड़ा एंजॉय करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से छलांग लगाते हैं। बीच में तैयारी हो रही है, ये बस इधर ये कूदने के लिए, मैंने सोचा आपके लिए ट्रेन जा रही है जम्मू, उधर से पटरी है ना, ट्रेन नहीं मिस हो जाए। अभी आने वाली है ट्रेन, 8:15 पे अंकल बता रहे थे, 8:15 पे ट्रेन आएगी यहाँ पे, 8:15 पे, 8 बज गए हैं, 8:15 पे आएगी अंकल बता रहे थे, 8:15 पे आएगी। और भाई सामने से आपको बताएंगे तब, ये सामने से इधर से ना ये सामने पटरी है, चेक करो ये देखो। मजा आ रहा भाई ये सामने, मैं यार ट्रेन का वेट कर रहा हूँ क्योंकि सामने से ना ट्रेन जाती है, मैं ट्रेन का वेट कर रहा हूँ वो कब आए। तो भाई छोटा भीम तैर रहा है सामने, देख रहा स्विमिंग कर रहा है। ओ भाई हेलो गाइस, तो भाई इतना मजा आ रहा है ना, कैसा लग रहा है? ओ बेचारा प्रभु, ये देखो अभी ना ये उधर से गुम हो जाएगा और यहाँ से आके बाहर निकला, देखते हैं कितने टाइम अंदर रहेगा, देखते हैं कहाँ से बाहर निकलता है। अभी तो गायब हो गया भाई, यहाँ से आके बाहर निकला है, लेकिन काफी दम रखा है बंदे ने भाई। जो मैं आपको बोल रहा था ना व्यू दिखाने के लिए, ये सामने से ट्रेन जा रही है, ये चेक करो, और ये इधर स्विमिंग पूल था, इसी का मैं वेट कर रहा था, ये सामने से देखो, बिल्कुल सामने से जो है वो ट्रेन जा रही है, सामने चेक करो भाई कितना मस्त व्यू आ रहा था सामने। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा सुबह से भाई, मैंने कहा ये व्यू लूंगा, ये सामने चेक करो, मैंने बोला था ना आपको कितना अच्छा लग रहा था यहाँ से जाते, और इसी का वेट कर रहे थे हम तब से बैठे हुए भाई, अंदर भी कभी अंदर जा रहा था स्विमिंग पूल में, कभी बाहर आ रहा था, इसी के लिए कि ये व्यू लूंगा मैं। बिल्कुल सामने से ट्रेन जाती है यहाँ से, और बिल्कुल सामने है ये चोपरा पट्टी, कितना मस्त व्यू आ रहा है। Oh,
तो भाई अभी करेंगे हम साइकिलिंग। ये सामने चेक करो भाई, ये तार है ना, इतना डर लगता है, लेकिन ऊपर से ना इसको वो टोचन सा लगा होता है, लेकिन नहीं यार बड़ा डर लगता है भाई। ये सामने चेक करो भाई, ये देखो भाई, इतना डर लगता है ना। और ये रस्से ना इतनी हाइट पे, इस तरह तार से ऊपर पकड़ के ना रस्सों को जाना पड़ता है भाई, बहुत मुश्किल है। तो भाई ये करके आ गया वापस सही सलामत, मेरे को तो डर लगा। तो भाई अपनी बारी आ चुकी है, लेकिन इतना डर लगता है ना कि आपको क्या बोलूं भाई। भाई लोग कैसे कर लेते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आती। देखो ये तार दिख रही है ना, इस तार से सामने पार जाते हैं, जिस तरह ये तार है सामने, देख लो वो सामने पार इसका एंड होता है, यहाँ से वहां तक जाना पड़ता है भाई, बहुत डर लगता है भाई। तो फाइनली भाई पैकिंग वगैरह जो अपनी हो चुकी है, सामान वगैरह अंदर से ले आए, अब निकलना अरुण भाई। ये निकलते हैं यार बड़े, चलो कोई बात नहीं यार, एंड तक बने रहे ना। अब सामान वगैरह ले आए, यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से पालमपुर साइड जा रहे हैं, देखते हैं रुकना जो भी है, व्लॉग के एंड तक बने रहना, सारा आपको बताएंगे। गाइस हमारे ना पुल के सामने ही एक ना रेलवे का ट्रैक है, ये सामने चेक करो, और इस तरह हम शूट के लिए आए हैं फिलहाल। सामने चेक करो व्यू कितना मस्त है, जब मैं जो आपको पार्क से बुला रहा था सामने है वो जगह, और यहाँ से और यहाँ पे शूट चल रहा है कुछ हमें देख सकते हो, और बहुत मस्त जगह यार, बहुत मस्त जगह है। मैली भाई अभी ना शूट वगैरह अपना जो है वो पूरा डन हो चुका है, शूट वगैरह करके वापस आ चुके हैं, और वो सामने रही अपनी गाड़ी और यहाँ पर बैठे हुए हैं। भाई क्या चल रहा है? सफर के लिए मैदान अच्छा हो यार, सबसे ज्यादा हमने ना यही खाया सफर में, इसीलिए हमारा पेट भी बचा है। और भाई किसी बंदे को रास्ते में परेशानी नहीं हुई, किसी का पेट साफ नहीं हुआ। और मतलब ये बात है, और ये बात है, और मिनट मिनट के बाद जहाँ फ्रूट वाली शॉप मिलती है फक ब्रेक लग जाती है। हाँ, और ये ना ठीक ही रहता है ऑलमोस्ट, तो अभी देखते हैं आगे क्या सीन रहता है। आ गया भाई, मेलन काट रहा है, ये खा के फिर चलते हैं। सुनाली कहाँ गई? चलो ठीक है भाई, फिर निकलते हैं यहाँ से। तो फाइनली भाई यहाँ से निकल चुके हैं, सामान वगैरह पैक कर लिया, सब कुछ डन हो गया, और अब यहाँ से अभी निकल रहे हैं आगे। व्लॉग के एंड तक बने रहना, जैसा भी जो भी रहेगा आपके साथ शेयर करूंगा। तो भाई अभी ना रास्ते में एक जगह ना, यहाँ पर ना बंदे ने एक गाड़ी में ही जो फास्ट फूड का वो खोल के रखा था, और यहाँ पर सोचा कुछ खा लेते हैं, अभी यहाँ पर रुके हैं। ऑर्डर वगैरह दिया है पिज्जे का, पिज़्ज़ा भी आ चुका है, और मोमोज भी मंगवाए थे, लेकिन मोमोज इतने टेस्टी नहीं थे, खा के निकलते हैं यहाँ। भाई यहाँ से अभी निकल रहे हैं और आगे देखते हैं क्या सीन रहता है। भाई आगे कहाँ जाना है? पूछ रहा हूँ कुछ, तो एंड तक बने रहो। पालमपुर रुके हैं, यहाँ पर था नारियल वाला सामने, वो सामने है इतने दूर भाई, गाड़ी ना इधर पार्किंग जगह नहीं थी, और गाड़ी लगा के तो अभी उधर से आए हैं, वहाँ चलते हैं नारियल पानी वगैरह पीते हैं, और उसके बाद यहाँ से निकलते, उसके बाद आगे कहाँ पर रुकना है? जाएंगे कांगड़ा फोर्ट, कांगड़ा फोर्ट जाएंगे, ज्वाला जी, हाँ जी, फिर जाएंगे कांगड़ा। ब्लॉग के एंड तक बने रहना, आपको सारा बताएंगे। आ गया नारियल पानी, और ये सामने चेक करो नारियल पानी, टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। तो यहाँ से फिर निकलते हैं आगे, जैसा भी रहेगा वो आपको बताते हैं। अब ब्लॉग के एंड तक जो है वो बने रहना। तो भाई यहाँ से निकल रहे थे, और ये सामने जगह चेक करो, बड़ी मस्त जगह लगी मेरे को, बिल्कुल प्लेन, और बड़े अच्छे अच्छे घर थे सामने, और व्यू ना मस्त आ रहा था, मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर लूँ। और सामने चेक करो भाई, और भाई गूगल मैप ने ना हमें कहीं पता नहीं कहाँ बांट दिया भाई, ये सामने चेक करो, इतना खराब रास्ता है ना, मतलब ऐसे रुके रुके पहाड़ से पता नहीं क्या यार भाई गार्ड, ऐसा और ही तरीके का, मतलब इसमें कम से कम भी यहाँ पर कोई 200 शमशान गार्ड जो है वो मिल गए होंगे भाई इस रास्ते पर, डरावना सा रास्ता है भाई। फाइनली गाइस अभी पहुंच चुके हैं हम ज्वालामुखी, और गाड़ी को कर रहे हैं पार्क, फिर देखते हैं आगे क्या सीन रहता है। ब्लॉग के एंड तक जो है बने रहना, पहले गाड़ी जो है वो पार्क करते हैं। गाइस ये पूरी जो मार्केट दिख रही है, सामने बस स्टैंड है, इधर पार्किंग है, ये ज्वालामुखी मेन है, इस साइड पार्किंग है, उस साइड बस स्टैंड है, सामने देखो। अभी आए हैं हम ज्वालामुखी टेम्पल, और वो गए हैं अंदर दर्शन करने, उनके मैंने वीआईपी दर्शन करवा दिए यहाँ से, जो अलग गेट होता है इधर से, वीआईपी दर्शन करवा दिए यहाँ से, उनको अंदर भेज दिया ये सामने से यहाँ से, नहीं तो इनको बड़ी लंबी लाइन में जो है वो खड़ा होना पड़ सकता था। ये सामने चेक करो, ये देखो ये लाइन इधर से पूरी लाइन लगी हुई है यहाँ पर, लेकिन उनका ना इधर से वीआईपी दर्शन करवा दिए, अभी वो आ रहे हैं, फिर निकलते हैं आगे क्या सीन रहता वो भी आपको बताता हूँ। भाई अभी हम आ चुके हैं बगलामुखी, पहले हम गए थे जो मैंने बताया आपको ज्वालामुखी, और अभी बगलामुखी इधर दर्शन करेंगे उसके बाद। तो भाई अभी मंदिर में आ चुके हैं, सामने रहा बगलामुखी मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है ये भी, और गए दर्शन करने के लिए अंदर, वो ये सामने चेक करो कितना
अच्छा व्यू आ रहा है सामने से मंदिर का, वो आते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं, आगे का प्लान देखते हैं क्या रहता है। बगला मुखी से कहाँ जाने का प्रोग्राम है? इधर मिनट मिनट में भाई चेंज होती है, ठीक है, जैसे मौसम तो बस इधर भी ऐसे चेंज हो रहे हैं। ये बोलते हैं हम ले जा रहे थे, मौसम क्यों चेंज हुआ तो हम वापस आए, इसलिए अब हम भी चेंज होंगे। तो भाई जैसे हमने आपको बताया कि अमृतसर आ रहे थे और रास्ते में कुछ खाने का मन कर रहा था, यहाँ पर सागर रत्ना था और KFC था। हमने आगे से गाड़ी टर्न की और यहाँ पर हवा देखो कितनी है भाई, गाड़ी लगा दी है, चलो चलते हैं अंदर आर्डर वगैरह देते हैं, लेकिन इतना मौसम ख़राब हो गया है ना। तो भाई आ चुके हैं अंदर, आर्डर वगैरह जो है वो दे रहे हैं, यहाँ पर लेते हैं कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद जो यहाँ से फिर निकलते हैं। तो भाई देखते हैं क्या आर्डर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे टाइम लगता है ना, रश होता है, वो पर्ची वगैरह काट के देंगे, फिर उसी के बाद जो है देखते हैं आर्डर वगैरह कब देते हैं। क्या आर्डर में चला, ठीक है, आ जाएगा, हाँ मैं जा रहा हूँ, आधा आधा, ठीक है भाई। ये आ गया अपना सामान, ये सामने चेक करो और अभी बैठ के खाते हैं फुल पावर भाई, वो बहुत ज़्यादा लगी थी, हैं क्या खाते हैं फिर। तो भाई यहाँ पर ना बर्गर वगैरह का आर्डर भी दिया था, वो भी आ चुका है और खाते हैं फुल पावर। और अभी ना हम अमृतसर पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर थे, रुके हुए थे कुछ खाने के लिए KFC में, ये सामने चेक करो, और अभी यहाँ से निकल रहे हैं। भाभी क्या प्लान है आगे का? अमृतसर अभी फिलहाल अमृतसर नहीं था। गाड़ी कहाँ पे लगी है भाई? हमारी गाड़ी भी वो लास्ट पे लगी हुई है। तो टाइम कितना हो रहा है भाई? KFC में हम गए थे ना, KFC से हम निकले, अंदर से निकले और बर्गर किंग से बाहर आए, अभी कितना टाइम हो गया और अभी यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, और आगे जो भी सीन रहेगा आपके साथ शेयर करते हैं। अंधेरे में क्या व्लॉग करना, अभी होटल पहुंचते हैं तो उसके बाद ही बताते हैं आपको क्या सीन रहेगा। फाइनली गाइस आज है अपने टूर का लास्ट दिन और अभी हम पहुंच चुके हैं अमृतसर, गाड़ी वगैरह जो है वो पार्क कर दी है और उसके बाद जो है अभी पहुंच चुके हैं हम अमृतसर, जा रहे हैं होटल में और आज रूम में चल के तो फिर आपसे बात करता हूँ, जो भी जैसा भी रहेगा तो आपके साथ शेयर करता हूँ, बताते हैं आपको अब। और अभी इतना फिर से बता दूं, अमृतसर पहुंच चुके हैं